दयालु हैं, कृपालु हैं, वो चाहते हैं कि आप भक्ति में चले जाएं। और जो स्पिरिचुअल विद्या का प्रयास है कि आप अपनी जो आपके अंतर में खोई हुई शक्तियां हैं उनका विकास करें, उनको पहचानें, तो शनि देव भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपकी जो शक्ति है उसको पहचानो, आप अच्छे मार्गों में चलो, अच्छे कामों में लगो और गरीबों पे दया करो। शनि अभिमान को तोड़ता है, जैसे मैंने कहा ना, शनि भक्ति में लाता है आपको। शनि आपके अहंकार को तोड़ता है। जिस भी चीज़ का अहंकार होता है व्यक्ति में, धन का है तो धनहीन कर देता है सरस्वती में। आप बहुत बड़े गायक हैं, गायिका हैं, एकदम आपको साइड पे ले जाएगा। आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, तो आपको एकदम साइड पे ले जाएगा। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, आपको लगता है मेरे जैसा दूसरा नहीं। जब शनि की सरस्वती आएगी तो आप दिखेंगे नहीं, आपकी सब प्रेडिक्शन गलत होने लगेंगी। क्योंकि ज्योतिषी के ग्रह भी अच्छे होने चाहिए जब आप सामने वाले को प्रेडिक्शन कर रहा है, बता रहा है। आप किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर हैं तो आपके ऊपर कोई मुकदमे बनने शुरू हो जाएंगे, आपके पेशेंट भागने लगेंगे। तो आपको जिस चीज़ के ऊपर भी घमंड था, शनि उस घमंड को तोड़ डालता है। और आप जब शनि पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी स्थिति है कि हमने तो ज्योतिष की दो बुक पढ़ ली, उस पढ़ने के पश्चात हमने सोचा कि हम ज्योतिषी बन गए, शनि की बात आई गई होगी। तो उसमें शनि सरस्वती में ये नहीं कहता मैं तुम्हारा बुरा करने आया हूँ, वो कहता कि तुम अच्छे इंसान हो, जैसा भगवान ने भेजा था तुम्हें, तो उस चीज़ से तू दूर निकल गया अभी, तो तुम्हें मैं वापस लाता हूँ उसी स्थिति। जो हमने एक्वायर्ड अहंकार या नेगेटिविटी ली है वो हमें हटाने शनि आपकी ईगो को दूर करता है। अगर पहले से अच्छे हैं आप तो शनि आपका नुकसान नहीं करता। और फिर भी उसके बचाव के लिए अनेक उपाय हैं। आप प्रार्थना करते हैं, मन से क्षमा मांग लेते हैं। आपने कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान किया था सत्ता में, आज वो छोटा व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। इसमें बहुत एक सुंदर कथा आती है, तो मुझे लगता है कि वो शनि भगवान के लिए भी ठीक बैठती होगी। जैसे